कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को शीतला नवमी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रामनवमी का भी त्यौहार है और साथ में नवमी पूजा का भोग भी होता है। अभी हो रहा है 1:15 रात हो रही है, 1:15 का टाइम हो रहा है और मेरी पूरी किचन साफ हो गई है, सब कुछ हो चुका है और मैं चाह रही हूँ कलश रखने। कलश अष्टमी में रखते हैं पर मैं अष्टमी में नहीं रखी क्योंकि मंगलवार का दिन था। मंगलवार को मेरा माँ ने पापा जी मंगलवार को एक्सपायर हुए थे तो मैं कोई भी काम मंगलवार को नहीं कर सकती, नया कलसा। और इस बार मुझे ना दो दो कलश रखना है क्योंकि एक मैंने अपने बाबू का माना हुआ था, पिछले साल रामनवमी को ही मेरा बाबू हुआ था। मैंने बोला था शीतला माँ अच्छे से दे देंगी तो मैं जोड़ा रखूँगी, तो वही रखना है। तो मैं आईपन पीस चुकी हूँ, आईपन दीवार में लगा चुकी हूँ। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि मेरा इतना बड़ा कलसा, एक छोटा सा कलसा और मैं देखिए आईपन से पूरा कर चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, देखिए सिंदूर रखी हूँ, सिंदूर से पूरा टिकूँगी। तो चलिए मैं टीक लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो देखिए मैंने दीवार पर ऐसे ऐपन लगा दिया है, हाथ का छप्पा लगाते हैं, 7 सीधा और 7 खड़ा, 7 ट्रायंगल और मतलब ऐसे बोलते हैं ना एल आकार में, ऐसे सीधा उल्टा ऐसे करके। तो मुझे 14 बार लगाना था इसलिए मेरा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं सबको सिंदूर वगैरह लगा दूँगी। वीडियो भी कोई शूट करने वाला नहीं था, रात को हो रहा था, 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, 1:15 बजे का टाइम में बाबू जगा हुआ था। बाबू ने पता नहीं क्यों बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है 2-3 दिन से, क्या रीज़न है प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे। और दिन रात को तो सोता भी नहीं है। और देखिए हमारा इतना बड़ा मटका और ये छोटा कलशा। पिछले बार बाबू, आज मेरे रियल तिथि के हिसाब से बाबू का आज मेरे बर्थडे है, तो मैंने कहा था कि शीतला माँ अगर अच्छे से दे देंगी सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं अगली बार से जोड़ा भरूँगी, नौमी पूजूँगी। तो वही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और नहा कर बस मैं तुरंत बनाने लगी थी। और देखिए मैं क्या क्या बना रही हूँ, हमारे के ना दाल भरी पूड़ी, सादी पूड़ी और बेसन की बड़ी और गुड़ वाली खीर बनती है बिना दूध की, तो वही सब है। देखिए चना भिगाई हूँ, चने की दाल भिगाई हूँ, ये काबली चना छोला भटूरा। तो चलिए फटाफट सब कर लेती हूँ। चने की दाल को धुलकर तब भिगाई थी, फिर फटाफट कुकर में रख देती हूँ। और इसमें ना सब कुछ ना नया, मतलब सब डिब्बे में था, डिब्बे का यूज़ नहीं करते हैं तो सब मैं ये सब मेरा नया पैकेट खोल खोल कर सब मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए सब जो भी नया नया चीज़ था ना सब मैं यूज़ कर, ये रबड़ ना बहुत परेशान कर रहा था तो इसे लगाने में टाइम लग गया, बार बार निकल जा रहा था। और ना आज मैंने कन्या खिलाया और साथ में हवन वगैरह सब कुछ किया पर ना कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। लड़की भी मेरी इधर उधर घूम रही थी कन्या खाने के लिए, देखिए बेसन के लिए। और मैं देखिए कुकर में ही ना ऐसे बनाती हूँ, बना के ऐसे घोट लेती हूँ तो पीसने का झंझट नहीं रहता है, ऐसे बहुत मतलब ईजली हो जाता है। नहीं तो दाल का पूड़ी बनाने के लिए अरे पीसना है, ये करना है, वो करना, मिक्सर में भी सही नहीं होता है। और फिर वो सब करने के बाद मैं देखिए कढ़ाई चढ़ा ली हूँ। कढ़ाई चढ़ाने के बाद सबसे पहले मैं छानूँगी बड़ी। बड़ी भी हमारे में मायके में बड़ी नहीं रहती है और यहाँ बड़ी रहती है बेसन की। तो फिर मेरा वीडियो शूट करने के लिए ना कोई था नहीं तो इसकी वजह से कुछ शूट भी नहीं। और आज थोड़ा सा ना मूड भी, आज रात से लेकर अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है तो उसी के चक्कर में थोड़ा हस्बैंड से नोकझोंक भी हो गई थी, मूड थोड़ा ऑफ भी था तो फिर इसके लिए मैं वीडियो वगैरह नहीं ले पाई। लड़कियाँ तो मतलब मैंने 9 को बोला था, 15 लड़कियाँ चली आई थी, गिफ्ट वगैरह भी हम लोगों ने जितने बोले थे उतना ही लाया था हम लोगों ने। फिर जो भी और लड़कियां उन लोग को हम लोगों ने पैसे वगैरह दे दिया, केला दे दिया। देखिए तो मेरा खाना बन गया, छोटे छोटे पूड़ी जो है ना हम लोग के खोइछा भराता है तो खोइछा भरने के लिए मैंने किया। देखिए वो वाली गुड़, मम्मी मेरी गुड़ जो लाई थी ना तो उसका बनाया था, सुंदर खीर हुआ है। फिर मैंने मम्मी जी को जगाया तो ये सब पूजा घर के बड़े करते हैं
फिर मैंने मम्मी जी को जगाया तो मम्मी जी सोई नहीं थी, मम्मी जी जगी थी थोड़ा बहुत, उन्होंने आराम किया बस क्योंकि बाबू को देखेगा कोई तभी तो मैं काम करूँगी, तो ये मम्मी देख रही थी उसको, फिर वो सोया थोड़ा, मम्मी भी सो गई। तो फिर 4:45 बजे बोली मम्मी उठ कर नहा लीजिए चाय बनाए, तो वही फिर मम्मी उठ कर चढ़ा रही हैं, साथ इधर साथ उधर, एक एक दाल की पूरी रहती, एक सादी पूरी, खीर चना और ये बेसन की बड़ी रहती है, और एक साइड मैंने साड़ी कर के एक साइड ये ब्लाउज पीस था, यही सब है। और आप लोग की नवरात्रि कैसे भी थी, पानी मेरा कल है पंडित जी से पूछा मैंने, और फिर मैं और मम्मी ने मिलकर गाना भी गाया हुआ है। बात कर रहे हैं सब, पहले ना जब मिट्टी का घर रहता था 2-4 दिन पहले से लिपाई पुताई सब होने लगती थी, और हमारा नया साल चालू हो जाता था चैत्र नवरात्रि से, नया फसल कटता था गेहूं का, तो यही सब अपना उसी से सब बनता बनता था, बहुत अच्छा लगता था पहले, वैसे मम्मी बता रही थी। तो ये सब मटका हमारा कितना बड़ा मटका, हमारा नल वाला है मटका, हमारे फूलावा के डलियावो के होली है ना, हमारे फूलावा के डलियावो के होली है ना, अपना महलिया में से निकल से शीतला मैया हो कि हामले बोना, तुहरे फूलावा के डलिया मालिन हामले बोना, तुहरे फूलावा के डलिया मालिन हामले बोना, तू तो बसलो मैया गंगा जी के तिरवा हो कि के हो दी है ना, हमारे फूलावा के रमवा मैया के हो दी है ना, हमारे भोरावा के रमवा मैया के हो दी है ना, जानी बाला कावा के दिहलो नयनवा हो कि हो दी तुहरे फूलावा के दमवा मालिन हो दी है ना, तुहरे हारावा के दमवा मालिन हो दी है ना, हमारे सेवा का गाइस। देखिए पूजा हो चुका हमारा,
किस किस के घर पूजा होती है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब थोड़ी देर अभी देखिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो इस टाइम हो रहा है दोपहर का 11:30 हो रहा है और मेरी सब कन्याएं खा चुकी हैं। मैंने तो बस 9 को ही बोला था, पूरी 15 कन्याएं आ गई थी। तो सबको मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि इतनी मतलब रात भर जगकर फिर 5 बजे जाकर थोड़ा आराम की, तो फिर उसके बाद लेट हो गया, फिर बाबू उठ गया तंग करने लगा, ये सब में हो गया था। 8:30 हो गया था तो इसकी वजह से फिर जल्दी जल्दी मैं काम में लग गई। खाना वगैरह कन्या को खाने में मैंने बनाया था हलवा पूड़ी और आलू चने की सब्जी बनाई थी, बस इतना ही बना पाई। खीर वगैरह का मैंने चावल वगैरह सब रखा था पर बना नहीं पाई क्योंकि छोटा बच्चा है बहुत, आज पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना क्या उसको हुआ है, बहुत परेशान कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बना पाई। और कन्या में हवन भी किया, कन्या वगैरह मैंने कोई चीज़ का वीडियो नहीं लिया, इतना मतलब कोई लेने वाला भी नहीं था और थोड़े हस्बैंड गुस्सा भी हो गए थे तो इसकी वजह से मूड थोड़ा और ऑफ हो गया था। तो मेरे चेहरे से भी आप लोग को लग रहा होगा रात भर का जगा, फिर चेहरा रात भी देखा आप लोगों ने। मैंने नवमी पूजा का पूरा वीडियो मैंने शूट किया है, आप लोग को दिखाऊंगी। अभी मैंने चाय होती तो देखी, चाय अभी बनाई होती होंगी, थोड़ा सा चिप्स सीधे नमक में मैंने बनाया है तो चिप्स थोड़ा सा तल कर खाऊँगी, बस एक खा कर रह जाऊँगी। अपारण न कल है, पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में है तो कल पारण होगा, कलश वगैरह कल हटाऊंगी हिलाऊंगी। तो चलिए माता रानी ऐसे चली जाती है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, 9 दिन कब कैसे निकल जाता है, दिन रात पता ही नहीं चलता है। तो चलिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिएगा पूरा, अधूरा सा रह गया सब वीडियो वगैरह नहीं लिया, कोई बात नहीं। चलिए अगले बार साल में 2 बार माता रानी आती है तो अगली बार ले लूँगी। चलिए बाय बाय।